तो आखिरकार यूएस और जर्मनी दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने अपने टैंक्स को भेजेंगे यूक्रेन में। अब ये तबाही मचाएगा या फिर खुद तबाह हो जाएगा, ये तो बैटल ग्राउंड में ही पता चल जाएगा। पर जितना टैंक जेलेंस्की ने डिमांड किया था ये उसके आसपास भी नहीं है। जर्मनी अपने 14 लेपर्ड टैंक्स और यूएस अपना 31 अब्राहम बैटल टैंक्स देने का वादा किया है जेलेंस्की को। और साथ ही जर्मनी ने ये परमिशन भी दे दिया है कि जिन सब देशों के पास लेपर्ड 2 टैंक मौजूद है वो भी अब इसको सप्लाई कर सकते हैं। अब इस फैसले के बाद नेटो का मानना है कि वो यूएन चार्टर के सेल्फ डिफेंस राइट गारंटी को इंश्योर करने के लिए यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा है। हालांकि रशिया का मानना है कि ऐसे स्टेप के जरिए नेटो खुद को रशिया के खिलाफ एक रियल वॉर के कगार पर लेके आया है। पर कोई बात नहीं, ये टैंक्स भी बाकियों की तरह जल जाएगा। अब टैंक्स के बाद जेलेंस्की का नया डिमांड आया है यूएस के सामने, पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल और साथ ही 4th जनरेशन F-16 फाइटर जेट्स। अब इसको लेकर एक नया हंगामा शुरू होने वाला है देखना। अब इसी तरह अगर जेलेंस्की का डिमांड पूरा होता रहा तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब पुतिन को मजबूरी में कुछ बड़ा कदम लेना पड़े।